यह बहुत बार केस हो चुका है न्यू अशोक नगर में, न्यू अशोक नगर में पिछले कई महीनों से यहाँ पर चोरी की वारदातें हुई हैं, कई FIR दर्ज हैं, पुलिस वाले सब अनदेखी कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर ए ब्लॉक सी मंदिर के सामने मोबाइल के दुकान में चोरी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात को 1:30 बजे चोरी हुई है बालाजी कम्युनिकेशन, कार्रवाई नहीं है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले एक महीने से कई चोरियां हुई हैं, पुलिस वाले इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो दिल्ली पुलिस का वादा है हम पब्लिक के साथ हैं, ये खोखला नजर आ रहा है, हर दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कोई भी नहीं था जिस दिन मेरे यहाँ चोरी, यहाँ से वहाँ सारे नहीं पल्ले वाले सर, मेरी भी कंप्लेंट है, वहाँ से किसी बैरियर अभी पिछले महीने की चोरी हुई। आप कौन से ब्लॉक हैं? आप कौन से ब्लॉक हैं? मैं बी ब्लॉक से हूँ, मैं पिछले एक महीने से मैंने कंप्लेन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कितने दिन हो गए आपके FIR दर्ज हुए? एक महीना हो गया, कोई उसमें सुनवाई नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि ताला तो पूरा टूट गया, केवल इन्वर्टर गया क्योंकि ताला अंदर का नहीं टूट पाया, तो कह रहे हैं कि ये जो छोटा मोटा केस है इसलिए सुन ही नहीं रहे। रात 1:30 बजे से चोरी हुई है, रात 1:30 बजे से चोरी हुई है और अभी तक कोई आने के लिए खैर खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। 1:30 बजे से चोरी होने के बाद अब आए हमारे SSHO साहब थाने वाले देखने के लिए। ये आपके दुकान में चोरी हुई है? दुकान है, क्या नाम आपका? मेरा नाम तरुण है, मेरी दुकान में रात को 1:20-25 के बीच में चोरी हुई है और अब SSHO साहब आ रहे हमारे इन्वेस्टिगेशन करने 12 घंटे बाद हमने 1:40 पे पुलिस में 100 नंबर पे कॉल कर दी थी, उसके बाद ही 1.5 घंटे बाद पुलिस हमें फोन करके पूछते ये अशोक नगर न्यू अशोक नगर कहाँ पे पड़ता है, हम थाने के पास खड़े हमें लेने आ अशोक नगर ही नहीं पता है, नहीं ये नहीं पता की अशोक नगर कहाँ है, हमें फोन करके पूछते हैं कि कहाँ पे आना है, हमें रास्ता पता, हमें रास्ता नहीं पता। कितनी शर्मिंदगी है दिल्ली पुलिस की, और जो न्यू अशोक नगर क्षेत्र का थाना है उसके पुलिस वाले ही पूछ रहे हैं कि न्यू अशोक नगर है कहाँ पर। इससे पहले भी, इससे पहले कहाँ कहाँ चोरी हुई यहाँ पर? कल मेरा मोबाइल दिन में चोरी कर लिया यहीं से दुकान में, गया चोरी हुई है अभी पीछे बाबा कम्युनिकेशन करके, बाबा कम्युनिकेशन पिछले एक महीने में चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई है ना, वारदात में वारदात बढ़ रही है मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोग पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वाले क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? पुलिस वाले कह रहे हैं जी देखेंगे करेंगे, भाई ये बोल रहे हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहे। ये है हमारे बीच व्यवसायी विनोद गुप्ता जी जिनके दुकान में भी चोरी हुई है। सर आपको भी तो आगे ये अभी वारदात रुके और ठीक रहे और आप सुबह कौन आया था जो गलत शब्द प्रयोग कर गया मेरे सामने खड़े हुए कह रहे हैं कि हम यहां पे इनके सब ब्लॉक बंद रहता था, सिर्फ एक रास्ता था बाहर निकलने का, बाद में एक एक दुकान पे खड़ा कर दूं ना, एक एक रास्ता है नहीं होनी कितना कह दिया नहीं नहीं ये निकाल सर ये कहा था वो कहीं रात में कह दे टूट गई वहां उधर भी मारता दिए रात देखो भाई बोलने से पहले आदमी की विषय में जानकारी मैं तो खुद आया हूँ कैमरा चेक करने के लिए। हम इतना कोऑपरेट करते हैं।